नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब क्लासेस में। आपको इस बात का बड़ा ही हर्ष होगा कि भर्ती है और मुझे आशा है कि आप सभी तो हम एसएससी जीडी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को यहां सॉल्व करेंगे और ये क्लासे में जारी होंगे। और इतना समय हमें गंवाते हुए हम क्लास की तरफ देते हैं जो है आपका एसएससी परीक्षाओं से संबंधित यहाँ पर हल कर। और जो मेरा फर्स्ट पेपर है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, पूरा 11/2021 फर्स्ट में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम हमारे प्रश्न आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट जो पेपर है हिंदी का क्या है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किस आपकी चयन। प्रश्न में आपका दर्शन आया हूं। हाँ, अगर आप गौर से देख मैं आपका दर्शन शब्द दिया गया है। दर्शन दर्शन शब्द आया है। दर्शन यहाँ पर वचन संबंधी, वैसे तो यहाँ अगर आप देखें वाक्य रेखांकित रेखांकित जो खंड है इसमें आपकी अशुद्ध यानी वाक्य संबंधी अशुद्ध तो है, किंतु यहाँ पर वाक्य के साथ साथ ये क्या है आपका एक वचन वाक्य है। मैं आपका दर्शन जो शब्द होता है वो बहुवचन के लिए आता है। बहुवचन यहाँ पर भी दर्शन आया, हस्ताक्षर आया, रोम आया, ये सब शब्द क्या है सम्मान सूचक शब्द होते हैं। ये दर्शन क्या है सम्मान सूचक शब्द है। तो यहाँ एक वचन का प्रयोग ना होकर यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। मैं आपका यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर हमें क्या पकड़ना है बहुवचन। दर्शन क्या है दर्शन बहुवचन शब्द क्या है बहुवचन शब्द, और बहुवचन के साथ आपके शब्द आएगा क्या आएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ना कि एक वचन में आपका नहीं आपके क्या आएगा बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि आपके एसएससी 16/2021 फर्स्ट आए हुए प्रश्न हल करा रही हूँ यहाँ पर, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हिंदी से संबंधित जो भी आपकी परीक्षा होगी वो आपकी यहाँ पर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी। क्लासें हैं जारी चलती रहेंगी। अगर आप कल 25 नवंबर को जो आपके वोट हुए थे, आपने देखो कल 25 वोट लगा था, अगर आपने गौर करा हो ज्यादातर एसएससी कर्मिक थे ना, और पुलिस कर्मिक वो आपके एसएससी वाले लगे। शानदार जो भर्ती आई हुई है राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, और हिंदी के यहाँ पर 25 प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं 25 प्रश्न बनते, और आपने हिंदी में भी अपनी कमर कस ली ना, और आप देखोगे ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर आपके ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये आती है। पटवारी ले लो तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लिया हुआ आपका ऐसा ही हुआ, इन सब में हिंदी एक अहम भूमिका होती है। एसएससी आ चुकी यहाँ पर आपके प्रश्न कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है तो आचार्य ने अध्यापक को प्रधानाध्यापक ने आपका पहला आपका अध्यापक को गाए कोई
हैं। स्थापक प्रथनाचार्य को आए और आपके कोई भी यहाँ पर आएगा। मजा आता है। रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। मुझे मजा आता है, पर मुझे मजा आता है नहीं, आता आती है। यहाँ पर लिंग है, मजा आता है, मुझे आता है, मजा आता है, लिंग संबंधी शुद्ध है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर दिए गए शब्द का लोम शब्द चुने। भाई द्रुत, द्रुत का होगा आपका मंथर। मंथर द्रुत का क्या होगा? मंथर। द्रुत यानी क्या होती है? चमक। और मंथर यानी होता है आपका धुंधला। द्रुत का क्या होता है? चमक। और मंथर का क्या होगा आपका? धुंधला। तो ये आपका विलोम हुआ आपका मंथर। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यह आपका कथा के बैंगन। कथा के बैंगन भाई, केवल दूसरों के लिए उपदेश देना ही कथा के बैंगन होता है। क्या? देखिए पहला मनगढ़ंत बातें, गलत है, असंभव वस्तु, उपदेश देना। मुहावरे का हमें यहाँ पर क्या करना है? अर्थ देखना है। आपका शिफ्ट वन में आया है। 16 नवंबर को जो पर हुआ था वो प्रश्नोत्तरी हम यहाँ हल करा रहे हैं। आप इसी चीज से अनुमान लगा सकते हो कि एसएससी जीडी में हिंदी का जो प्रश्न उत्तर बन के आएंगे तो उनका आधार क्या होगा। यानी कोई भी आपका टॉपिक हिंदी से संबंधित रहेगा, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, या तो आप संधि ले लो, समास ले लो, वाक्य वाक्य ले लो, वाक्य शुद्धि ले लो, लिंग ले लो, वचन ले लो। आपने देखा तीन टॉपिक, चार टॉपिक में से प्रश्न आ चुका है। देखिए ये वचन संबंधी था, पहला क्या था आपका? लिंग संबंधी था। फिर हमारा क्या है? मुहावरे संबंधी। यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा प्रकरण या टॉपिक नहीं तो व्याकरण का वहां पे देगा। 25 प्रश्न आएंगे और 25 आपका हल लेकर आएगा। चलिए, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक, यानी यहाँ पर एकांत एकाकी शब्द बताना है, एक सार्थक शब्द देना है। वह बात जो जन साधारण में यानी निरंतर चली आ रही है, प्राचीन समय से निरंतर चली आ रही है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं अभी तक, वो क्या कहलाती है? वह किवन किम कर्तव्य कहलाता है। क्या कहलाया है? किम कर्तव्य, किवन दति कर्तव्य। 1 मिनट। यह बात जो बन जाती हुई है यहाँ पर कर्तव्य नहीं, बन जाती हो साधारण आपके पास, हमारे जो बाद हमारे दादी नानी ने बातों को अनुसरण कराता, थोड़ा सा ना करते हो लेकिन ऐसी ऐसी चीज आज भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाई गहने बनते हैं, भाई टीन बनेगा, सोना और सोने से, सोने से सोना। अब देखिए यहाँ सोना से, भाई यहाँ पर अगर बहुवचन है हमें शब्द की शुरुआत भी बहुवचन से ही करनी है। क्या आएगा यहाँ पर? सोने से गहने बनते हैं, कैसे बनते हैं? सोने से गहने बनते हैं। या भ्रमित करने के, एक तो एक वचन, तो हमारे जो वाक्य है वो पूरा बहुवचन है, हमें तो बहुवचन में ही वाक्य बनाना है। सोने से गहने बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही है। देखिए मुहावरे से आपके 2 प्रश्न आ चुके हैं। आंख लगना, आंख लगना यानी झपकी आना, आंख लगना करते हमारे यहाँ लग जाती है आना। आगे चलते हैं।
दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि यदि कोई त्रुटि है तो कोई त्रुटि है विकल्प को चुने। पहुंचते यानी अगर कोई त्रुटि है तो चुन। वह फोन नहीं पहुंचते, उसने फोन कर दिया, वाक्य ये होना चाहिए था। पहुंचते उसने फोन कर दिया, फोन नहीं उसने। तो यहाँ पर जो शब्द है वाक्य में कोई त्रुटि है, कौन सा शब्द है वह है, एक ही जगह क्या आना चाहिए चाहिए। यहाँ पर वह शब्द यहाँ पर गलत है। आगे चल सामान्य नियम के शुद्ध बात वाक्यांश के एक शब्द का सामान्य शुद्ध बात अपवाद होती है। अपवाद सामान्य बात होती है वो आपके अपवाद होती है। अपवाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सद्भाव से एकांक शब्द का विलोम सद्भाव। सद्भाव का आप शाब्दिक अर्थ देखते हैं, विलोम शब्द आपके आते हैं पर में पहले जो विलोम दिया गया उसका आप क्या अर्थ देख अर्थ देखोगे। जैसे आपको प्रॉपर उसका अर्थ अर्थ पता सामान्य सद्भाव सद्भाव पहले तो सद अब ता का क्या हो गया ता हो गया आपका आ गया या तो ये या फिर शब्द को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों को भ्रमित करने के लिए आ है जो आ है वो आपका पूरा आ क्या है आपका पूरा और दा क्या है आपका आधा। अगर आप यहाँ आ आधा है और यहाँ आपको जो आ लटक आपको आधा दिख जरूर रहा है लेकिन क्या है आप तो वर्ण विच्छेद करते हैं तब हम तो आपका आधा लटको होता है ना बच्चा उसको ही आधा समझ। चरणों में जो पड़ा है यानी जो चरणों में लटका हुआ है वो क्या है महान यानी वो बड़ा है तो आपके दिखा है वो आपके आधा है। आपका पहली बात तो शब्द का अर्थ देख दोनों शब्द में है सद्भाव आप इस प्रकार यहाँ पर जो दिखा है वो इस तरह सद्भाव का जो अर्थ होता है वो है अच्छे भाव का सद्भाव भाव का। तो यहाँ आएगा सद्भाव या विलोम पूछ दुर्भाव बुरे भाव का आ गया या तो आप का अर्थ होता है बुरा भाव और ये बड़ा से मिला आपका भाव आधा रा है हाँ तो ऊपर चला गया आधा रा आपका हो गया बुरा भाव। तो हमारा विलोम क्या आएगा यहाँ पर बुरे भाव वाला सद्भाव का विलोम क्या होगा पूरे भाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए कोई भी आपके व्याकरण आपका ऐसा जो व्याकरण से कोई भी आपके प्रकरण सबको ही ले भाव रहे हो तो यहाँ पे आपके शब्द का चयन करें तो बनो मैं इस रोकी नात आते
देखो, तीनों धरती वन होगा, वन तो लोक के अंदर यहाँ पर आएगा, भू के कौन, त्रिलोकीनाथ कौन, भगवान के लिए गया बोला गया है, भुवनों के भवन क्या जाते हैं। कोश का रूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द, कई गुण और दोष का मूल्यांकन करने समीक्षक शब्द इस्तेमाल करते, तो यहाँ उत्तर होगा आपका समीक्षक। आगे आ जाते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं, तो विकल्प किस बदलाव की आवश्यकता। पिताजी मेरे लिए आए, पिताजी पिताजी भाई, बदलाव की मेरे लिए आवश्यक आपको तरह के जो वाक्य दिया गया है। करने स्थापित शब्द के स्थापित कोई भी अगर प्रश्न सर यहाँ पे आपको डाउटफुल तो चयन कर, यदि प्रश्न आप करने करो और है पर कल 25 का है। हम सभी आशा करते हैं ऐसी सरकार बने, युवाओं की जो साकार करें, हमें ऐसा रोजगार नहीं पर वो चाहिए मेहनत करके रो। समझ चुके आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। साल की दर नहीं चाहिए हमें, महीने के कमाई चाहिए, हमें महीने का रोजगार चाहिए, और वो तभी होगा जब अच्छी सरकार बने। अच्छी सरकार वोट द्वारा ही बने, और आशा यह है सरकार बने हमारे जो 4 साल से आ रही है, बार बार रद्द हो आ रही है, रद्द हो रही है घोटाले में। सपने युवाओं के कहाँ साकार हो रहे हैं, युवाओं के सपने सरकार चाहिए जो युवाओं के सपने कर रहे हैं, चाहिए सरकार बने आशा के साथ तैयारी कर। बहुत शानदार पढ़ती है, परीक्षा में चल गए ना आप, आती है मैथ आती है आती है, और आपकी आती है, और आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और बहुत शानदार पेपर ना कोई आगे चल। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। प्रश्न में अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, यानी यहाँ पर आपकी वर्तनी देखनी है, वर्तनी अनधिकार अनाधिकार अनाधिकार और अनधिकार। देखिए शब्द है वर्तनी, अगर देख हमारा है अनधिकार, क्या हमारा है अगर देखो अन
तर्क दिए, जो आधा है पूरा करेगा आ, तब जाके अन करा, तब जाके आपका शुद्ध शब्द हो। देखने में भले से गलत सा प्रतीत हो रहा है, ना तो कोई मात्रा दिख रही है, अन आधा है, आका स्वर इसमें, तब जाके ये अनधिकार बनेगा, तब हमें सुख क्या रहा अनाधिकार। तो हम जब हमारी अभ्यास, जब हमारा अभ्यास तो हम तुरंत ही गवाए आगे चल। शब्द को समानार्थी शब्द का चयन कर, समानार्थी पर्यायवाची, पर्याय कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची है अरविंद। का क्या है? अरविंद। यहाँ पर शुद्ध है आपके ऑप्शन पर आपके, हमारे देखिए यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा है समान है, ये आपके शब्द होता है, आपके क्या है अरविंद। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी मेरी पूजा है कि 4 दिन की, ये पूजा शब्द, मेरी याचना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की, आगे देखते हैं, मेरी आराधना, जब हम किसी से आज्ञा मांग, हमारा प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है कि 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, हम जब प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र जब लिख रहे हैं आज्ञा अनुमति मांगने के लिए मांगना है, प्रार्थना शब्द यहाँ आगे आते हैं। आपका आगे का प्रश्न है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, केवल एक को ही सही ढंग से एक को ही सही ढंग वाले शब्द का चयन, सही वर्तनी, मात्र आपकी मात्र किए गए शब्द के समान पर्याय, चयन करें। भाई आपको यमुना का क्या है? आपका माने नदी होगी, तड़ाग माने तालाब होता, अर्क जा, अर्क जा, अर्क 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 कह क्या कह, अर्क यानी कौन, जा यानी कौन, यमुना। यहाँ आपने मैंने शब्द आप कहा जिसका आप अर्थ सम अर्थ देखने, आपका जो अर्थ है, आपका उत्तर है, आपको 4 ऑप्शन हमारा अर्क जा यानी उत्तर शुद्ध यमुना, यमुना का पर्यायवाची अर्क, अर्क यानी क्या है, सूर्य, सूर्य की पुत्री कौन, यमुना है। वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें,
वाक्य में रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन। वाक्य क्या है? गाय को आहा, गाय को होने का साहा, पर उत्साह यहाँ पर जो शब्द दिया वो नहीं है। वाक्य पूरा पढ़ लेते हैं। गाय को का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह उत्साह की जगह यहाँ गाय को साहा, मेरी गाय की और से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा मैं बार बार वाक्य को पढ़ने पे हुआ यहाँ देखिए गाय को कहा नहीं कहा सा है भी कोई नहीं कर क्या हुआ कहा यहाँ पे शब्द नहीं आएगा। हमारा उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? उत्तर नंबर डी यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के हम गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ लेते हैं। एक साधु थे से चारते थे, आनंद पूर्वक भजन किया करते थे। एक दिन पर छड़ी झोपड़ी की चूह से निपटने के लिए एक काली के लिए गाय खरीद लाए। गाय को साज संभालने की आवश्यकता, विलाह से शादी कर परिवार बना, संत बनकर लोग कल्याण करने के का लक्ष्य, भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया, परामर्श का लक्ष्य पूरा करने की व्यवस्था, सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता। तात्पर्य अब यहाँ साधु अपना निर्वाह करके साधु होगा साधु टाटन अपना गुजारा कर आएगा यहाँ पर सही है। आगे चल आवश्यक के स्थान पर उचित शब्द लिखे। आवश्यकता के स्थान पर यहाँ पर शब्द आएगा जरूरत। जरूरत आप देखिए जरूरत पड़ी जरूरत तो गाय खरीद, आवश्यकता नहीं जरूरत। यहाँ पर आपको उत्तर आगे देख महत्वाकांक्षा देखेंगे उचित अर्थ लिखे। महत्वाकांक्षा उन्नति को प्राप्त कर आना चाहिए। अब पूरा होगा जब हम आगे बढ़े। आपको
हमारी नॉलेज आप में बहुत बड़ा शब्द दिया गया है, वो क्या है? उन्नति प्राप्त, क्या है? प्राप्त कर। नंबर बी सही। हाँ, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम होगा। परमार्थ, परमार्थ का होगा आपका स्वार्थ, क्या होगा? यानी स्वार्थ, स्वार्थ होता है स्वयं, परमार्थ होता है भला। स्वार्थ स्वयं, यहाँ पर विलोम पूछा गया है। विलोम में कभी कभी हम क्या गया है उसका अर्थ देख, पर यानी, पर यानी देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए परमा, परम परम का। यहाँ पर आप देखेंगे परमार्थ का रेखांक का विलोम पूछ और होगा आपका आगे चलते हैं। साधु ने क्या किया? कई साधु ने आपका उत्तर कोई प्रश्न बन जाता था तो मुझे नहीं लगता कभी भी गद्यांश से गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है ध्यानपूर्वक। ये हुआ आपका झोपड़ी के चूहे से साधु ने क्या? आपके का फर्स्ट शिफ्ट 16 नवंबर हल्कर आशा है पसंद आया हो आप शब्दों के लेती और मेरे आपका रहेगा आपके निर्णय।